तो आज जो 50 मार्क्स का किया गया है हिंदी पेपर जो पूछा गया है, मैं उसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल सके सॉल्यूशन सबसे पहले। चलिए तो चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है भारत माता ग्राम वासिनी के कवि का नाम लिखे। तो सुमित्रा नंदन पंत फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी। गणेश शब्द में कौन सी संधि है, तो है गण जोड़ ईश गणेश। धर्म का विशेषण है धार्मिक तीन का बी। किस कवित्री को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, महादेवी वर्मा। कलम शब्द का लिंग निर्णय करें, तो कलम मैं बता देना चाहता हूँ मेरी कलम नहीं है, तो ये है स्त्रीलिंग ऑप्शन नंबर बी। प्रेमचंद की रचना है गोदान। समास के कितने भेद हैं, तो समास के 6 भेद हैं। इसका इधर देखिए ट्रिक भी होता है, अब तक द्विदी यानी कि अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व और द्विगु, 6 भेद। मोती शब्द का लिंग निर्णय, मोती चमकता है पुलिंग, 8 का A। लंबोदर शब्द का समास है बहुव्रीहि, लंबा है उदर जिसका, लंबोदर बहुव्रीहि समास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। जीवन का झरना शीर्षक के कवि का नाम आरसी प्रसाद सिंह। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। हिंदी साहित्य के लेखक, हिंदी साहित्य में कलम का जादूगर प्रेमचंद को कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी। माँ बाप बिल्कुल उसी तरह से जैसे लोटा थारी में जो समास होता है, तो द्वंद्व समास 13 का A। ज्ञान शब्द का विलोम है अज्ञान। मानव शब्द का विलोम है दानव। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, कारक 6 हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया एक नाटक है। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है, तो गौरा। हिंदी में स्वर 11 हैं औ तक, और जब री को मिला लेते हैं तो 11 हो जाता है, ऐसे 10 है औ तक, री को मिलाने के बाद 11 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्याय शब्द का संधि विच्छेद, अन्य जोड़ न्याय, ये स्वर संधि है। कविवर ठाकुर के रचनाकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हालांकि मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ, किसी स्टूडेंट का ये किया गया ये वाला क्वेश्चन, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ 20 का 22 का। अगर आप कंफर्म हैं तो कमेंट बॉक्स में आ जाएं। सिंगार शब्द का विशेषण सिंगारिक, विशेषण के 4 भेद हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं, जो एक निबंधकार हैं, उनका निबंध 2 प्रकार का होता है, तो वो निबंधकार माने गए 25 का C। अगर कोई क्वेश्चन गलत हो तो मुझे क्षमा करेंगे, हिंदी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको लगभग 100% सही किया ये ऑब्जेक्टिव, तो इसको देखिए। और मैथ्स के ऑब्जेक्टिव के लिए भी हमारे चैनल पर बने रहें और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें, और यहाँ से आप राउंड फिगर दबा के सब्सक्राइब बटन और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।